की बड़ी खबर यही है, किसान और सरकार के बीच बीते 2 घंटे से लगातार बातचीत जारी है। क्या कोई समाधान निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन 2 घंटे गुजर चुके हैं किसान और सरकार के बीच लंबे वक्त से विज्ञान भवन में ये बातचीत हो रही है। इस बीच विज्ञान भवन के बाहर ही लंगर की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए खाना भी हर बार की तरह उनके स्थान से ही आया है। पिछली बैठकों में किसानों ने सरकार द्वारा दिए गए भोजन को खाने से इनकार कर दिया था और इस बार भी फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मंत्री भी जायके का लुत्फ उठाते हुए तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी जो उनके स्थान से खाना आया है उसको खाते हुए। फिलहाल कुल मिलाकर 2 घंटे से जारी है किसान और सरकार के बीच बातचीत। क्या आज गतिरोध खत्म हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कृषि कानून के मसले पर किसान संगठनों भारत सरकार के बीच बातचीत के बाद ये लंच ब्रेक, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरह से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री, तमाम दूसरे भी जो मंत्री हैं वो इस वक्त खाना खाते हुए, और दूसरी तरफ किसान भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल विज्ञान भवन में जो बैठक हुई है, इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए 40 किसान संगठन वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, ये जो खाना आया हुआ है, जमीन पर बैठकर ही किसान संगठनों के जो नुमाइंदे हैं वो किस तरह से जायके का लुत्फ लेते हुए, दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ किसान भोजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भोजन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिस गतिरोध को लेकर इस वक्त खड़ा हुआ है, क्या वो टूट पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कमलजीत संधू हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे विज्ञान भवन से। कमलजीत, अभी तो खाने पीने की तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाश्ता चाय भी होगा, उसके बाद फिर से बैठेंगे आमने सामने सरकार और किसान। लेकिन अब तक जो 2 घंटे की बातचीत हुई है उसमें क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, इस बार किसान भी पक्का मन बनाकर आए हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने भी लगातार ट्वीट किए हैं और सीधा सीधा बताया है कि किस तरह से मोदी सरकार किसानों की तरफ है। यानी एक ही तरह बताने की कोशिश की जा रही है कि दोनों कोई अलग थलग नहीं है, दोनों एक ही पक्ष में है, वो कि किसानों के पक्ष में है। तो ये एक चीज समझाने की कोशिश कर रही है लगातार। और राजनाथ सिंह जो कहा कि आप ये पहले होने दीजिए, लॉज इंप्लीमेंट होने दीजिए, अगर आपको नुकसान होता है तो उसके बाद सोच विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो समझाने की कोशिश है, जो सरकार ने कहा था कि आप क्लॉज बाय क्लॉज हमें बताइए कि क्या आपको आपत्ति है, तो उसी मोडेलिटी पे चल रहा है। जबकि किसान नेता है, जिस तरह से राकेश टिकैत ने भी कहा कि आज हम सरकार को टाइट करेंगे, उसके बाद ये कहा कि हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि रिपील होने चाहिए ये फार्म लॉज। यानी हर तरह से प्रेशर लगाया जा रहा है, और जैसे पिछले समय में हुआ था, लंगर अब भी गया है और इसी वजह से खाना पीना चल रहा है, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि ब्रेक द आइस, वो कहीं नहीं हो पा रहा है। और सरकार की कोशिश है कि 1 तारीख यानी नए साल आने से पहले पहले कहीं ना कहीं अगर वो कन्विंस कर पाए किसान नेताओं को, तो शायद कोई मिडिल ग्राउंड हो जो निकल पाएगा। पर अभी तक जो दोनों पक्ष हैं वो अड़े हुए हैं, और इसी वजह से सोल्यूशन कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लंगर खाना पीना चल रहा है, और एक जो इंडिकेशन खाने पीने की तस्वीरें कमलजीत हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किसान किस तरह से जमीन पर बैठे हुए हैं और हाथ में रोटी, जैसे आप लंगर में खाने जाते हैं तो बिल्कुल उसी अंदाज में इस वक्त किसानों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक। क्या ये खाना अभी भी सिंधु बॉर्डर से या दूसरे बॉर्डर से मंगाया गया है, जो सरकार की ओर से इंतजाम किए गए थे वो खाना किसान नहीं खा रहे हैं? और दूसरी तरफ मंत्रियों की तस्वीरें भी दिखाइए, मंत्रीगण भी इस वक्त खाना खाते हुए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जो जायका इस वक्त बिगड़ा हुआ है सरकार और किसानों के बीच मूल मुद्दे को लेकर, उसको कैसे ठीक किया जाएगा? खाना तो खाएंगे लेकिन अपना अपना, और इस वक्त जो किसान है वो लंगर खा रहे हैं, जो कि एसजीपी से लाए हैं, रकाबगंज और शीशगंज से वो लंगर एसजीपीसी मनजिंदर सिंह सिरसा खुद लेकर आए हैं, और उन्हें बांटा गया है और मीडिया कर्मियों के लिए भी लाया गया था। पर सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हम अन्न तब तक आपके वहां से नहीं खाएंगे जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल आता है, कोई हल नहीं निकल आता है। तो एक तरह से प्रेशर पूरी तरह से किसान बनाए रखना चाहते हैं, और ये उस तरह का एक टैक्टिक्स है। लेकिन अंदर जो बातचीत का माहौल है वो काफी गर्म है, क्योंकि किसान अभी भी अड़े हुए हैं, रिपील करिए लो या फिर बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस तरह का प्रेशर पूरी तरह से मोदी सरकार पे बना हुआ है, जो कि बताने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा के जो ज्यादातर किसान हैं उनको, और बाकी जो अब लोग जुड़ना चाहते हैं
वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल दोनों तरीके से कहीं सहमति नहीं बनती नजर आ रही है। और जो किसान नेता जो बाहर आए थे और उन्होंने बातचीत की थी, वो ये भी कह रहे थे कि इस वक्त वो सोल्यूशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर बातचीत वो मना नहीं करना चाहते हैं। वॉकआउट नहीं होगा, पूरी तरह से बात रखी भी जाएगी और सुनी भी जाएगी। ये दो अलग अलग तस्वीरें और कमलजीत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती हुई, देखिए डिस्पोजेबल प्लेट में किस तरह से किसान एक तरफ खाना खा रहे हैं, दोपहर के खाने का ये जायका यकीनन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन बार बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत का जो जायका बिगड़ रहा है और कई दिनों के बाद ये सातवें दौर की बातचीत, लेकिन क्या इसके जरिए कोई हल निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। दूसरी तरफ तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी जो किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनको भी आप खाना खाते हुए इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दो घंटे की बातचीत के बाद ये लंच ब्रेक हुआ है और इसके बाद कुछ ही पलों में एक बार फिर से बैठक शुरू हो पाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कमलजीत यही है, कृषि कानून रद्द किया जाए इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है, बिजली बिलों को लेकर भी किसानों की आपत्ति है, एमएसपी को लेकर भी लगातार वो अपनी आपत्ति जता रहे हैं कि जब तक कानूनी अमलीजामा इसको नहीं पहनाया जाता वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। सरकार का ये कहना है कि देखिए अगर संसद भवन से कोई कानून पास हुआ है तो उस पर लंबे गहन रिसर्च के साथ, और यहां पर ये तस्वीरें देखिए जो किसान नेता वहां पर पहुंचे हुए, कुछ सेल्फी की भी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं कमल जी, ये तस्वीरें भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसान नेता के हाथ में कैमरा और वो पीयूष गोयल के साथ सेल्फी लेते हुए, इन तस्वीरों के मतलब और मायने क्या निकाले जाए, जो बर्फ जमी हुई थी क्या वो थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन पिघल रही है। फिलहाल किसान ये जानते हैं कि कोई ना कोई अगर हल निकलेगा तो वो हल सरकार ही निकालेगी, और वो ये कह रहे हैं कि हम एंटी नेशनल नहीं है, हम खालिस्तान या ओवर नक्सल नहीं है, आप हमें उस कैटेगरी में मत रखिए, हमारे कुछ कंसर्न्स हैं और वो कंसर्न्स आप रखिए। एक मंडी सिस्टम बनी हुई है प्रॉपर, एपीएमसी को लेके, एमएसपी को लेके जो चार एजेंडा पॉइंट्स है, खासतौर पे इलेक्ट्रिसिटी और फिर जो पराली को जलाने वाला मामला था उसमें रियायत दी जाए, इस सब को लेके सरकार से बातचीत की और सरकार ने कुछ कंसेशंस माने भी हैं, पर सरकार जहां अड़ी है वो ये है कि आप हमें रिपील करने के लिए मत बोलिए, अगर कुछ संशोधन लाना है उसके लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं एक आउटरीच करना, देखिए हंसना मुस्कुराना कैमरा के लिए एक बात होती है और हल ढूंढना अपने आप में दूसरी बात होती है। किसानों की मांग को लेकर सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं, तो विपक्ष को भी मौका मिल गया है, लिहाजा सियासत भी खूब हो रही है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो किसानों के मुद्दे पर ऐसी गंभीरता नहीं दिखाई, अब विपक्ष में है तो किसानों के हित की याद आ रही है। अभी 24 दिसंबर को ही राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, उन्होंने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए रद्द करने की भी मांग की थी। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है, और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। आंदोलन रूपी भट्टी पर सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में जुटी हुई है, कांग्रेस सरकार पर अड़ियल होने का आरोप मढ़ रही है। वो कहते हैं हम तो आश्वासन दे रहे हैं कि मंडियां चलती रहेंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी चलता रहेगा, हैं जब हम कह रहे हैं तो बरगलाया जा रहा है, ये कहीं नहीं तैयार है कि इसको कानून में डाल के पार्लियामेंट में पास कराइए, वो कानून में नहीं डालना चाहते। सर किसानों की मांग यही है और किसान संगठनों की मांग भी है कि जो बातें हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, एमएसपी रहेगी, मंडियां रहेंगी और उससे नीचे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई नहीं खरीद सकता, ये बात आप कानून में डालिए ना, तो ये जो कानून को वापस लेके उसी संसद सत्र में तुरंत जो है वो दूसरा कानून लाके पास करा लीजिए।
राजनीतिक दलों के वोट बैंक वाली तिजोरी का सबसे अहम खजाना रहा है किसानों का मुद्दा। किसान की माली हालत सुधारने के अब तक कई वादे हुए, कई सरकारें आ गईं, लेकिन उनके हालात नहीं बदले। अब सरकार कह रही है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तीनों नए कृषि कानून, एमएसपी की दरें बढ़ाया जाना, किसान रेल, पीएम किसान निधि जैसी योजनाएं उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। लेकिन विपक्ष मुद्दे की खोज में है। किसान आंदोलन से उन्हें ये मौका मिल गया है। कृषि कानून पर राहुल गांधी अपनी राय जगजाहिर कर चुके हैं। लेफ्ट किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। शरद पवार कह रहे हैं कि सातवें दौर की बातचीत में समाधान नहीं निकला तो पूरा विपक्ष किसानों के पक्ष में खड़ा होगा। पवार साहब की जो पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, महाराष्ट्र में भारत बंद के दौरान उन्होंने समर्थन दिया था और इस लड़ाई में वो किसानों के साथ में है। तो जायजा उन्होंने भी लिया कि महाराष्ट्र के किसानों का क्या कहना है, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या है, और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलाया कि 30 तारीख तक, मतलब कल की बैठक, अगर कुछ बेनतीजा होती है तो पूरा विपक्ष है, यूपीए के सभी घटक दलों को वो आह्वान करेंगे कि पूरे देश में यह आंदोलन जो है जन आंदोलन के साथ में समर्थन देने के लिए रस्ते पर वो उतर आए। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली विधानसभा में भी किसानों के मुद्दे पर सियासत की एक तस्वीर दिखी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून का विरोध करते हुए उसकी कॉपी फाड़ दी थी। तीनों काले कानूनों को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार से अपील की है कि वो तुरंत इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। हमारे किसान बहुत दिनों से ठंड में रोज रात को सो रहे हैं, देश का किसान मुसीबत में है। अब केजरीवाल सरकार ने सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए वाईफाई लगाने का फैसला किया है। किसान आंदोलन पर सियासत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को साफ शब्दों में समझा चुके हैं कि उनकी सियासत से सरकार का इरादा डगमगाने वाला नहीं है। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई जारी है। किसान नेता कह रहे हैं कि कमजोर विपक्ष की वजह से उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। अरे विपक्ष अगर मजबूत होता तो आंदोलन हमें करना पड़ता क्या? देश में विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए, अपनी जान बचा रहा किसान। तो जब विपक्ष आवाज हाउस में नहीं उठा सकता तो किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है। विपक्ष देश में मजबूत रहना चाहिए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड में किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों ने इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जितेंद्र बहादुर सिंह, कुमार कुणाल और हिमांशु मिश्रा के साथ पॉलमी साहा, दिल्ली आज तक।